हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसका शॉर्ट फॉर्म जो है पीएम स्वनिधि स्कीम, इसको एक्सटेंड किया है। तो क्या है पूरा कॉन्टेक्स, उसको डिस्कस करेंगे। ये पीएम स्वनिधि स्कीम है क्या, किस तरीके से ये जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में ये जो है उनको डेवलप उनको हेल्प करेगी, इनके क्या क्या ऑफर्स है उसको डिस्कस करेंगे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे, और ये जो एक्सटेंशन है ये कैसे होने वाली है इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीएम स्वनिधि स्कीम बोलते हैं, इसको 2024 मार्च तक इसको एक्सटेंड किया है। तो याद रखिएगा कि पीएम स्वनिधि स्कीम इसको एक्चुअली लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 2020 में, जब कोरोना के टाइम में एक्चुअली जो भी स्ट्रीट वेंडर्स थे तो उनको बहुत ही ज़्यादा उनके लॉस हुए थे। बहुत सारे जो लोग हैं एक्चुअली जो लॉकडाउन के वजह से जो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी रोजी रोटी चली गई थी, तो उनको एक्चुअली एक एम्पावर करने के लिए, उनके लोन्स उनको देने के लिए, ताकि वो अपने जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाया जा सके, एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट उनको हो और एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जो उनको प्रोवाइड किए जा सके। तो इसके हिसाब से यहाँ पे कोलेट्रल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन दे जाने की बात हो रही थी, यानी कि उनके लिए कुछ भी उन लोग को जो है गिरवी नहीं रखना है। तो अप टू 10,000 जो इंडियन रुपीज जो है एक साल के टेन्योर पे देना पड़ेगा, और इसके लिए प्लान किया गया था लगभग पूरे भारत में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऐसे एक साल के लिए एक 10,000 के लोन दिए जाएंगे। लेकिन देखिएगा कि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको अर्बन एरियाज में या फिर जो सराउंडिंग पेरी अर्बन या फिर रूरल एरियाज इसी जगह से होना पड़ेगा, ये कंप्लीटली रूरल एरियाज से इंक्लूड नहीं किए गए थे। तो पीएम स्वनिधि स्कीम के जो ऑफर्स है ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आपको फैक्चुअली पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी लगभग 7% पर एनम दिए जाएंगे, यानी कि उनकी जो इंटरेस्ट होगी उनमें उनको सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि उनको अलग से इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा अगर उन लोग रेगुलर लोन को पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो लोन उन्होंने लिया है उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं तो अलग से उनको नहीं देना है। तो यहाँ पे कैश बैक जो है हर साल 1200 रुपया का दिया जाएगा, यानी कि अगर 10,000 उनके अगर बैंक में खाते में जमा होगी तो उनमें 1200 रुपये कैश बैक उनको दी जाने की बात हुई थी, और यहाँ पे जो एक डिजिटल ट्रांजेक्शन की भी बात हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि पहला जो यहाँ उनकी जो लोन की जो इंस्टॉलमेंट वो दे जाने के बाद अलग अलग यहाँ पे इंस्टॉलमेंट देने की भी बात हुई थी, अगर उन्होंने परफेक्टली उसको सक्सेसफुली उसको रिपेमेंट कर दिया। तो अगर देखा जाए 2020 के बाद से जो है लगभग 20 मिलियन एप्लीकेंट जो है अप्लाई किए थे, यानी कि लगभग 20 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने अप्लाई किए थे लोन के लिए, और उनमें से लगभग 7.5 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स उनके लोन को सैंक्शन हो गया था, और लगभग 2,18,000 लोन जो है डिसबर्स हो चुका था, जो देखने में काफ़ी सेटिस्फैक्टरी है। लेकिन इसमें काफ़ी चैलेंजेस भी थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्ट्रीट वेंडर, क्योंकि जब सेकेंड वेव ने हिट किया तो उनकी जो बिजनेस कंप्लीटली तबाह हो चुके थे, तो एक्चुअली रीपेमेंट आ नहीं पाए थे, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिले थे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो पीएम स्वनिधि स्कीम ये जो अवेलेबल है सारे स्ट्रीट वेंडर्स जो अर्बन एरियाज में उनकी बिजनेस उन लोग संभालते हैं, और उनकी रजिस्ट्रेशन जो है 24 मार्च 2020 से पहले की हुई है, यानी कि किसी भी स्ट्रीट वेंडर अगर वो किसी भी अर्बन लोकल बॉडीज में अगर अपना बिजनेस चला रहे हैं तो उस अर्बन लोकल बॉडीज से उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या फिर आइडेंटिटी कार्ड होनी पड़ेगी। मान लीजिए कि किसी स्ट्रीट वेंडर्स के पास ऐसे वेंडिंग सर्टिफिकेट या फिर आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, लेकिन अगर ऐसे सर्वे में जब भी सर्वे किया जाता है उनको आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग भी दिए जाने की बात हो रही थी, ताकि उनको पीएम स्वनिधि का जो है फायदा मिल सके। तो ये जो है आईटी बेस्ड प्लेटफॉर्म में उनको उनके डिटेल्स मौजूद रहेंगे।
अगर बात करेंगे यहाँ पे जो नई एक्सटेंशन की बात की जा रही है, तो ये जो है दिसंबर 2022 तक जो है इसको जो है एक्सटेंशन किया जा सकता है। और यहाँ पे जो है थर्ड लोन जो है ये लगभग 50,000 तक की हो सकती है, यानी कि किसी वेंडर ने अगर अपने पुराने इंस्टॉलमेंट्स को अगर सक्सेसफुली रीपेमेंट कर दिए हैं तो उनको 50,000 तक भी लोन मिल सकते हैं, जो माइक्रो फाइनेंस के हिसाब से हम मान सकते हैं यहाँ पे। और पहला इंस्टॉलमेंट जो है 10,000 का था और दूसरा इंस्टॉलमेंट जो है 20,000 का। तो ये एक्सटेंशन जो किया गया है इसको नाम दिया गया है स्वनिधि से समृद्धि, यानी कि उनकी अपनी बिजनेस जो भी उन्होंने स्टार्टअप के हिसाब से अपने खुद से स्टार्ट किया है, तो उनकी समृद्धि की बात हो रही थी। तो यहाँ पे सारे बेनिफिट्स जो है पीएम स्वनिधि स्कीम के जो बेनिफिशरीज है उनको इंक्लूड किए गए हैं। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति या फिर एक जो स्ट्रीट वेंडर अपने परिवार को चलाते हैं उनको ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो, और यही जो है जनता जाके एक्चुअली बहुत ज़्यादा होते हैं इंडिया में। तो एक्चुअली जो भी अर्बन एरियाज में उनकी पास कुछ लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती है, तो ऐसे एक्चुअली स्कीम्स काफ़ी मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देना चाहिए कि रीपेमेंट जो हो रही है उसकी परसेंटेज कितना हो पा रही है, ये थोड़ी सी चैलेंजिंग टास्क है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100% जितने लोगों ने एक्चुअली लोन को एक्सेप्ट तो कर लिया, लोन को ले तो लिया, लेकिन 100% ने क्या उसको रीपेमेंट कर दिया है? अगर नहीं किया है तो गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आए भी थे कि लोन को रीपेमेंट नहीं कर पाए, उन्होंने अपना बिजनेस को चेंज करके गाँव चले गए। तो बहुत ज़्यादा अगर ये परसेंटेज होने लगी तो ये एक्चुअली थोड़ी लॉस भी होती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द पीएम स्वनिधि स्कीम, जिसको एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 तक एक्सटेंड करने की बात की है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।